नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर प्रदेश के विकास को रोकने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन को 75-25 के अनुपात के तहत बनाया जा रहा है। इसमें 75% भागीदारी केंद्र सरकार की जबकि 25% भागीदारी प्रदेश सरकार की है, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी भागीदारी का पैसा नहीं दे रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि रेलवे बोर्ड को कुल 1626 करोड़ की देनदारी देने को है, जिसके लिए बोर्ड के चेयरमैन द्वारा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा गया है। समय पर भुगतान न किया गया तो रेलवे लाइन का काम बीच में ही रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रही है, लेकिन यहां की मौजूदा सरकार प्रदेश के विकास को रोकने का काम कर रही है। केंद्र हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जो केंद्र और प्रदेश का जो शेयर तय हुआ है और जो खासतौर से जो भानुपल्ली बैरी का जो है वो 75-25 कॉस्ट का जो बियर करने का एक फैसला जो हुआ है, इस वक्त 1626 करोड़ रुपए जो है वो, जिसमें से 1441 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बैरी का और उसके बाद 185 करोड़ रुपए चंडीगढ़ बद्दी का, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को देना है लेकिन नहीं दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ये बात मुख्यमंत्री भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बयानों से पलटने का काम करते हैं। आर्थिक संकट पर उनकी बदलती बयानबाजी इस बात का सबूत है। बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, हर दिन वो पलट करके बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और कभी दोषी उसके लिए जयराम को ठहराते हैं, मोदी जी को ठहराते हैं। ये विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, जनसभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में, हर जगह वो बोलते हैं, और उसके बाद विधानसभा के अंदर घोषणा करते हैं कि मेरे मंत्री और मंत्री के साथ साथ CPS जो है 2 महीने की सैलरी विलंबित करेंगे, यानी कि छोड़ी नहीं, 3रे महीने इकट्ठा लेंगे 3 महीने की। ये सारी चीज़ें एक परिहास का विषय, मजाक का विषय बन गई है। अगर संकट नहीं है तो हर महीने सैलरी और पेंशन देने के लिए तारीखें तय करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है मुख्यमंत्री से, जिसको मैं जानना चाहता हूँ।